बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे आप लोगों को जैसे पता है कि मेरा काम है ये कपड़ों का, तो मैं आज इनको सही करके, इनका बॉक्स सही करके रख रही थी, जो ये सेल करने वाले, हर कैटेगरी के हिसाब से मैं इनको अलग अलग करके रख रही थी, क्योंकि उससे फिर मुझे बेचने में और दिखाने में जो है लोगों को आसानी रहती है, क्योंकि मेरा ऑनलाइन ही वर्क है, घर से ही मैं कर रही होती हूँ, तो मुझे इस काम में जो है ना फिर आसानी रहती है जब मैं इनको सेट करके रखा हुआ होता है। ये कल जो है सारे रखे थे लेकिन सेट नहीं किए थे, इसी तरह रख दिए थे। मैंने कहा कि आज सुबह सुबह जो है मैं इनको सेट कर लेती हूँ जल्दी से, और सेट करके इन सारों को रख देती हूँ, तो उससे ये कि फिर मुझे जब दिखाना होगा तो मुझे बहुत ईजीली जो है ना मैं उठाऊँगी, मुझे पता होगा कि ब्रांड के कहाँ रखे हुए बाकी, तो फिर मैं रख दूँगी। जो पैकेट्स वाले हैं उन्हें पैकेट्स में करके रख देती हूँ, इससे ज़्यादा आसानी रहती है हर चीज़ की। आप बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं? अब तो रमज़ान की बिल्कुल आमद आमद है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि अभी तो है सीज़न है इस काम का, तो थोड़ा चल रहा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि इस वक्त तो मैं चाहिए कि करना है मुझे ये काम, फिर इसके बाद मेरा इरादा है कि थोड़ा पूरे प्रॉपर तरीके से बच्चों को टाइम दूँ, इसके साथ साथ इसका मतलब टाइम अरेंज कर लूँ किसी तरह। जब बच्चे स्कूल जाते तब तो मसला नहीं होता, सुबह के टाइम में आराम से जो है मैं ये कर लेती हूँ अपना काम, ना लाइफ कर लिया, लाइफ करके जो है बच्चों को जो है फिर स्कूल से आते तो उस तक का मैं फारिग हुई भी होती हूँ। तो आप लोग बताएं क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं अपना है? और बाहर तो ज़ाहिर इंसान आजकल निकल नहीं सकता, तो सारा स्टॉक वैसे भी ऑनलाइन ही आता था और अभी भी जो है सारा स्टॉक ऑनलाइन ही मंगवा रही होती हूँ, तो लेकिन ये आसानी है कि पता होता है कि जो है कहाँ से क्या मंगवाना है। ईद का सीज़न है, आपको पता है कुछ कोई फैंसी मांगता है, कोई सादे सूट मांग रहा होता है, मतलब लोगों की पसंद भी डिफरेंट है। प्रिंटेड सूट बहुत से लोग मांग रहे हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं, घर में तो प्रिंटेड ही पहने जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन आजकल तो प्रिंटेड सूट मिलते ही बहुत मुश्किल से हैं। आपको फिर भी ओरिजिनल्स में मिल जाते हैं, लेकिन पता नहीं आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने प्रिंटेड सूट भी अगर मैं ओरिजिनल में बनाती हूँ तो उसको इतने कोई आराम से प्यार प्यार से पहन रही होती हूँ कि वो मेरे सूट जो है ना ख़राब ना हो और चल जाए अच्छे खासे टाइम ना, तो इसलिए मैं जो है प्रिंटेड मतलब मैं ओरिजिनल लेके भी उसको अपने उस पर नहीं लगा रही होती कि मतलब घर में पहन रही हूँ या कुछ। घर के लिए मैं कॉपीज़ का वो करती हूँ कि या तो कॉपीज़ बना ली उस तरह के पहन लिए लेके, क्योंकि आजकल तो आपको पता है सस्ती से सस्ती कॉपी भी मिल रही है तो वो उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है। लोग मेरे ख्याल से प्रिंटेड बहुत कम ही लेते हैं और बहुत कम ही मांगते हैं आजकल, लेकिन मेरे पास काफ़ी जोर है प्रिंटेड सूटों का ना, तो हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास प्रिंटेड हैं, जे डॉट में हैं, तो खाड़ी के हैं, खाड़ी में तो टू पीस ही आते हैं, थ्री पीस मुझे एक्सपेंसिव लगते हैं कि अगर मैं ख़रीदूँ और बेचने के हिसाब से मुझे वो एक्सपेंसिव लगते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मुझे कम से कम रेट में मिले तो फिर तो मैं उठा लूँ, मुझे मज़े का रेट नहीं मिल रहा खाड़ी पे, इसलिए फिर मैं उठा ही नहीं रही खाड़ी के। ये सारी कहानी है और ये मैं यहाँ पे जो है सारे कपड़ों को सेट करके रख रही हूँ जल्दी जल्दी से, ये सारा कुछ सिमट जाएगा तो फिर उसके बाद जो है मुझे लाइफ भी करनी है, तो ये सारा कुछ मैं कर रही हूँ कि मैं सारा को समेट लूँ जल्दी से और बंद करके जो है फिर मैं इन सबको रख दूँ। आसानी रहेगी मेरे लिए भी कि मुझे जब दिखाना होगा तो मेरा बॉक्स रेडी है, इधर उसमें मैं दिखा दिया करूँगी सबको, जो भी जिसने भी देखना है, एक पूरा बाज़ार मचा हुआ है, क्योंकि मैंने जो है मेरे पास कॉपीज थी कुछ रखी हुई, तो इस सीज़न में कॉपीज भी लोग लेते जा रहे घर में पहनने के लिए। रमज़ान में तो औरतें बहुत कपड़े बनाती हैं, वो जो है उस हिसाब से फिर लेते। मेरा ख्याल से मेजॉरिटी औरतों का यही होता है कि रमज़ान में ही वो बना लेती हैं जो भी, और फिर वो रमज़ान में पहनने के बाद उन्हें आम रूटीन में भी अपने लगाती रहती हैं, क्योंकि कहते हैं जो रमज़ान में चीज़ आप इस्तेमाल करें पहने तो उसका हिसाब नहीं होता,
ये है सारा। तो बस मैंने कहा कि मैं आप लोग बताएं, आपकी आप लोगों ने स्टिचिंग करवा ली है, क्या किया है, किस तरह किया है। फिर जाके लाना तो बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। बच्चों के लिए आपने क्या किया है? मैंने भी कुछ जो है पहले ख़रीद लिए थे बच्चों के, शुक्र ही करती हूँ कि ले लिए थे पहले मैंने। मतलब बाज़ार तो मैं नहीं गई थी, मैंने ऑनलाइन ही इनके बेटों के अपने कुर्ते मंगवा लिए थे, बेटी के मैंने स्टिच करवा लिए थे कपड़े ईद के ना। तो थोड़ा ये कि बेटी मेरी है अभी मॉन्टेसरी सेक्शन में, छोटी क्लासेस में, तो उसका स्कूल्स में जो है कलर्स डे और जो है कभी पार्टी हो रही है, कभी कोई और इस तरह का होता है, तो उसमें उसको जो है ना डिफरेंट ज़्यादा चाहिए होते हैं कपड़े बेटी को ना। तो उसके लिए फिर मैंने अभी कुछ ऑर्डर दिए अब्बू के पास मंगवाएं कराची, क्योंकि आपको पता है कराची बहुत बड़ा हब है बिजनेस करना, तो वहाँ से तो बहुत लोग हैं करने वाले, लेकिन यहाँ मंगवाना फिर मुश्किल पड़ता है। तब अल्लाह करे आज अब्बू को मिल जाए, तो फिर मैं अब्बू से ना यहाँ पे फ़ौरन फिर मैं उनको मंगवा लूँगी। वो कपड़े इस तरह के हैं कि मतलब फ्रॉक्स टाइप हैं, वो हैं इस टाइप की हैं कि बच्चे जो हैं वो बेटी जो है मेरी ईद का अगर फैंसी सूट उठा उतार के पहनना चाहे तो वो आराम से कैजुअल वेयर में वो वाले सूट आते हैं वो पहनेगी। और फिर उसके बाद मैं उठा के उसके स्कूल स्कूल के लिए रख दूँगी इनको, वो जब स्कूल जाया करेगी तो फिर उसके काम आ जाया करेंगे स्कूल में। ये सारा कुछ है, अल्लाह करे कि हालात जल्दी से बेहतर हो जाएं सारे और आसानियाँ हो जाएं सबके लिए। ज़ाहिर निकलना आना जाना मर्दों का निकलना ज़रूरी है, अब तो ऑफिसेस भी खुल गए, तो ये है कि आप उन्हें ना रोक सकते ना कुछ आप कह सकते, जाना है उन्होंने, लेकिन फिक्र लगी रहती है पीछे से। बस साथ खैरियत से जल्दी से जो है वापस आ जाएं अपना काम कर कर आके एहतियात के साथ। हर किसी का यही होता होगा कि हर कोई यही कहता होगा कि अब निकल के ज़ाहिर जाना तो मजबूरी है घर से बाहर मत का। और ज़ाहिर है आप घर में भी इतना सामान तो नहीं रख सकते ना कि आपके बाहर से ग्रॉसरी भी करनी होती है वो भी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये कि घर पे दे जाते हैं अगर ग्रॉसरी जो भी हो ज़रूरत। तो मुझे भी अभी जो है सब्ज़ी वब्ज़ी मंगवानी है रमज़ान के हिसाब से, मैं कह रही हूँ मैं फिर एंड में ही मंगवाऊँ ना रमज़ान के शुरू शुरू में, क्योंकि प्याज भी बाज़ अब तो गर्मी हो गई है, इस्लामाबाद में भी कभी ठंडा मौसम हो जाता है तो कभी गर्मी हो जाती है, इसी तरह का मौसम है। तो इससे तो बेहतर है कि आप जो हो मंगवा लो और मंगवा के जो है ना उस चीज़ को जो है अभी से मंगवा के ख़राब हो जाएगी, तो ये कि थोड़ा सा ठहर के थर्सडे को इस तरह करके मैं सोच रही हूँ कि मैं मंगवाऊँगा थर्सडे तक। आप लोग भी मुझे बताइएगा क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। ये थे वो मेरे ओरिजिनल कपड़ों का था जो मैं अभी सेट कर रही हूँ यहाँ पे। फिर मैं आपको कॉपीज़ भी इस तरह अपनी दिखाऊंगी, कभी किसी को कोई मालूमात लेनी हो तो आप मुझसे ले सकते हैं इन कपड़ों के बारे में। मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में।